बैक टू न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग सोच रहे थे एक शॉपिंग वाला वीडियो शूट करने के लिए मतलब कहीं बाहर जाए, बट सेम टाइम हम लोग सोच रहे हैं घर पे रहकर एक टेंट वाला वीडियो शूट कर लें मेरे चैनल के लिए, क्योंकि आयु के चैनल के लिए हम लोगों ने कुछ दिन हो गए बहुत वीडियो शूट, बहुत तो नहीं एक दो वीडियो शूट किया। अभी मेरी चैनल की बारी है, आज जो मेरा शो लूँगा तो ये अभी ऊपर आ गया है। गेस्ट बट अभी क्या करने वाला है ये देखना। तो कल मैंने जितने भी डी आई एस किए थे उनमें मैंने वार्निश नहीं लगाया था वीडियो के चक्कर में, क्योंकि अगर वार्निश लगा देते हैं थोड़ी देर बाद ही तो खराब हो जाता है पेंटिंग, इसलिए मैंने वार्निश नहीं लगाया था वो वाले पेंटिंग्स में। तो अभी मैं वार्निश लगाने वाली हूँ, तो वार्निश मतलब मौज पौच और पेंटिंग को थोड़ा सेफ रखने के लिए आई मीन अच्छा होता है। अभी मैं इसमें भी लगाने वाली हूँ जो आर्ट वर्क मैंने कल किया था। एंड या दिस इज इट, आई डोंट नो मैंने तो इसके बारे में कैसी फीलिंग आ रही है, बट अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, और ढूंढेगा माइक नहीं है, माइक और मेरे पास निकाल दिया मैंने बुद्धू। अरे नहीं है, अरे माइक नहीं है मेरे पास। नहीं आयु, ये मैंने कल मेहनत से बनाया था, तू खराब कर देगा ठीक है। नो। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं जाऊंगी अभी ब्रेकफास्ट करने। और हम लोग सोच रहे थे मैं हमारे मामा जी के घर के पास ही वीडियो है एंड उधर शॉपिंग कर लें, मतलब शॉपिंग का वीडियो भी बनाना है मेरे चैनल के लिए। तो लेकिन पता नहीं क्योंकि हम लोग वीडियो इतनी बार गए नहीं है उधर, हम लोग शूटिंग करना अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं पता हमें। सो छोड़ो, अरे तो क्या जा रही है ब्रेकफास्ट करने। और आयु को मैंने मेरे पिंजरे में बंद कर दिया, वो ना हाथ भी नहीं निकाल, सारा काला टीका लगा देगा मेरे चेहरे में, चल तू। तो अभी फाइनली मैंने इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ है एक्चुअली, दो हॉलीडे होमवर्क्स ख़त्म है, तीन ठो हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल था अ डिसेबल्ड पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड द वर्ल्ड विथ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट, एंड ये मैंने गूगल से सर्च किया विकिपीडिया से। और ये वाला था सेकेंड वाला, मुझे एक एड तो नहीं लाइक पैम्फलेट काइंड ऑफ एक बनाना था, तो ये मैंने एक स्किन केयर कंपनी का बनाया है। क्या हुआ वो मुझे नहाने जाओ बोल रहा है तब से। आयु को आज मैंने नहीं नहलाया, क्या हुआ? पढ़ाई भी कर लिया ठीक है, ये मैंने मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये ब्यूटी ब्लिस नाम का कुछ, अरे यार आयु, तो ये ब्यूटी ब्लिस नाम का अगर कुछ स्किन केयर ब्रांड है तो मुझे नहीं पता, मैंने गूगल से सर्च किया था। ये पेपर्स कार्ड को लिख है वो ग्रीन कलर से और पेन से भी और पे कलर के हो। हाँ किससे चिपकाया हो? हाँ इसको कार्ड भी चिपकाया हो क्या? नहीं ये सब ड्राइंग किया मैंने, ये सब चिपकाया, ये चिपकाया। आयु तुम्हारे लिए नहीं है ये, ये है मेरा एडवर्टाइजमेंट। और ये दो ख़त्म हुए हैं, और मुझे ना ये ग्रामर बुक का एक दो चैप्टर्स के बुक और ख़त्म होना है, जो कि मैं ना कराने के बाद कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस गूगल से सर्च करके ही तो करना है। उसके बाद आज शॉर्ट्स बनाऊँगी, मैंने थोड़े से हिप हॉप वाले गाने भी सिलेक्ट कर लिए। तो ये वाला पापा का शर्ट है, ये ओवरसाइज है और ये मेरे पैंट के साथ मैच भी करेगा, इसलिए मैं ये वाला पहनने वाली हूँ फर्स्ट में। उसके बाद ये वाला ट्रेडिशनल गानों के लिए है, दो चार मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मॉडर्न का मैंने ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया बट किया है, तो वही ख़त्म करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 140 हो चुका है और मैंने नहीं नहाया, तो मैं जाकर अभी नहा कराती हूँ, बाय। तो अभी इवनिंग हो रहा है एंड मैंने जो शॉर्ट्स बनाने का सोचा था ज़्यादा नहीं बना पाई, बस दो शॉर्ट्स बना पाई, वो भी अलग आउटफिट में, ही वाले आउटफिट में तो नहीं। और ये मैं अभी हॉलीडे होमवर्क कर रही थी वो बुक वर्क को चैप्टर का, और मतलब एक चैप्टर का एटलीस्ट ख़त्म करूँ मैं सोच रही हूँ। एंड इधर मम्मी को देखो वो नींद में है और आयु को झूले में झुला रही है, इसको देखो
सो गई थी क्या? नहीं आगे मुझे छोटे भाई बहन पसंद नहीं है। अगर अगर पेट से बड़े बड़े होते और पेट से निकलते तो कितना अच्छा होता। आई मीन इतना हमें संभालना भी नहीं पड़ता है ना, और फिर कोई परेशान भी नहीं करता। अभी फ़िलहाल बज रहा है 5:30 और मेरा अभी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। थोड़ा पानी पीती हूँ भाई मैं पहले। नहीं आज मुझे ना मतलब एक तो आज बहुत गर्मी लग रही है, दूसरा ट्यूशन को सिर्फ मैं ही जा रही हूँ और कोई भी बच्चा नहीं आ रहा। मतलब ट्यूशन में एकदम होम ट्यूशन जाने जैसा ही लग रहा है। बस वही एक सेकेंड घर तो वही होम ट्यूशन जाने जैसा लग रहा है। कोई तो आता एटलीस्ट। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने का। पास्ता बनाऊँगी बहुत दिन से सोचा था, बट प्रॉब्लम ये है कि पास्ता ना मेरे से मुझे आता है बनाना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे पास्ता बनाना आता है, बट घर में कैप्सिकम नहीं है, बस गाजर है। हाँ बस गाजर वाला पास्ता थोड़ी अच्छा लगता है, बिना कैप्सिकम वाला पास्ता क्या पास्ता। आज मेरा ट्यूशन 7:00 तो अभी पास्ता बनाने का सोच रही हूँ। मुझे लाइक नॉर्मल पास्ता बनाना आता है और वाइट सॉस पास्ता बनाना आता है। काश मुझे रेड सॉस पास्ता बनाना आता बट मुझे नहीं आता है। तो मैगी भी बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं। मेरी मम्मी ने वो लंबे लंबे स्ट्रॉ वाला पास्ता लाया है तो वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैंने बहुत बार वो ट्राई किया, घर पे कभी नहीं बनाया वाला पास्ता। तो सोच रही हूँ बनाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना कैप्सिकम नहीं है। हमारे पास कौन कौन सा सब्जी है मम्मी? हमारे पास कौन कौन सा सब्जी है? हमारे पास कौन कौन सा सब्जी है पूछ रही हूँ। हमारे पास हाँ गाजर है, आउच सॉरी गाजर है और बस। पास्ता में डालने के लिए गाजर नहीं है, कैप्सिकम तो मिला नहीं, तो प्याज आलू बेटा है। मैं वाइट सॉस पास्ता ही बनाकर खा लूँ, उसमें बस उसमें गाजर थोड़ा सा चाहिए होगा क्या? व्हाइट सॉस पास्ता में सब्जी नहीं डालता है। छोड़ो मैं व्हाइट सॉस पास्ता ही बना लूँगी। एंड आई थिंक मैंने मेरे चैनल में सबको दिखा रखा है व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं, बट तो इसे आज व्लॉग वाले ऑडियंस को दिखाऊंगी। ये रहा पास्ता, ये वाला मम्मी ने रहा, इसको क्या बोलते हैं पेन्ने पास्ता, ये ऐसा वाला लंबा लंबा ASMR। तो उस दिन जो मैंने हनी चिल्ली वाला मैगी बनाया था उसमें हनी अच्छा टेस्ट करा था, बट हमें पता चला कि वाला हनी तो जो था वो एक्सपायर्ड था, इसीलिए मैंने एक्सपायर्ड खाना खा लिया। और मैं मरी भी नहीं, मेरे में सुपर पावर है, कुछ तो है मेरे में। ये वाले में है क्या? ये वाले हनी, अच्छा ये हनी, ये क्या है? घी है, हनी फेंक दी मैंने, वो हनी का डेट चल गया है। हनी के डब्बे में घी कौन डालता है मम्मी? आज ही रखती हूँ मैं। दर्शकों अभी हमारा जो पास्ता है वो पानी में है, पानी में छप है, क्या बोलती हूँ मैं, छोड़ो। अभी जो हमारा पास्ता है वो इधर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। पास्ता को अभी मैंने पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है कढ़ाई, क्योंकि ये कढ़ाई में हमें वो ग्रेवी क्या बोलते हैं, अबे मक्खी, वो ग्रेवी बनाने वाले हैं। मुझे मक्खियों से नफरत है, मैं पहले उनको मार के आती हूँ। मैंने एड बटर और हमें मिल्क की ज़रूरत है और मैदा। मैदा कहाँ है? मैदा नहीं मिल रहा, ये है क्या? पता नहीं, मैदा है मम्मी, ये मैदा है क्या मम्मी? अच्छा ये तो राइस पाउडर है, सॉरी। तो अभी मैंने गैस पर जो कढ़ाई है उसको चढ़ा दिया। अभी ये बटर का जो एक टुकड़ा है उसको मैं कट करूंगी। कटो, हाँ उसको कढ़ाई में डाल देंगे। ये
अब इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे, ऐसा जल्दी मेल्ट हो जा रहे भाई। हाँ ये मेल्ट होगा, अरे ठीक है। आई थिंक ना बटर काफ़ी है, अगर थोड़ा सा और चाहिए होगा तो मैं बाद में ले लूँगी। उसके बाद हम लोग लेंगे इससे, मेरा हाथ गीला है इसलिए नहीं हो रहा, वरना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ आपको नहीं पता। देखा खुल गया ना कैसे। हाँ ये मैं एक नंबर की गधी हूँ। इससे पहले बटर सूख जाए मैदा डाल के, वो वाला कहाँ गया केक वाला मिक्स, जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। जब तक ये ऐसे ना छोटे छोटे बॉल्स में नहीं बन जाता, उठा के दिखाती हूँ, जब तक ये ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में नहीं बन जाता मिक्स करते रहना मैदा एंड बटर को थोड़ा थोड़ा सा, एंड वो फिर कम्प्लीटली मिक्स होने के बाद उसमें आप लोग अपना मिल्क ऐड कर लेना। सिंपल, मैं इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा को चाय बनाने के लिए भी मिल्क की ज़रूरत है, अगर मैंने ज़्यादा यूज़ करें तो मुझे पिटाई पड़ेगी। उसके बाद जो आप केक जिससे मिक्स करते हो, केक का बैटर जिससे मिक्स करते हो, इससे ही इस जो ग्रेवी क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो बॉल्स जो है वो परफेक्टली दूध के साथ मिक्स हो जाए। धीरे धीरे मेरा खाना बनाने का स्किल भूल रहे हैं। अभी बस इसको थोड़ा सा बैठने देंगे और थोड़ा सा बटर, आई थिंक वी नीड थोड़ा सा ये थोड़ा सा, आई डोंट नो मेरे लिए तो है जस्ट, और थोड़ा सा मैदा। इसको मिल्क के साथ भी ऐड कर लो लोग, लेकर मिक्स करोगे तो भी कोई बात नहीं है, किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सब ये मेल्ट होके मिक्स होगा एंड बाद में इसमें आपको अपना पास्ता ऐड कर देना। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजीएस्ट रेसिपी। अच्छा हमारे पास थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है। ओहो ये क्रीम जो है फाइनली गाढ़ा होते जा रहा है। अब इसके इसको इसमें अभी हम हमारा पास्ता ऐड कर देंगे और थोड़ी देर में, और बस इसमें हमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करना है एंड अगेन मिक्स मिक्स मिक्स। नाउ पास्ता टाइम। और पास्ता को हम इससे चाहो तो मिक्स कर सकते हो, मैं तो इससे ही कर रही हूँ, स्पैचुला से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपका वाइट सॉस पास्ता विल बी रेडी। बहुत सिंपल है, आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा सिंपल है। अरे ऑरिगैनो, चीज़ ऐड करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना अभी करेंटली चीज़ नहीं है, अभी इसलिए इसको 200 में रखते हैं। तब तक मैं कुछ सॉसेस या फिर मेयोनीज़, हाँ मेरे पास मेयोनीज़ है, मैं वो लेकर आती हूँ। वो तंदूरी मसाला वाला सॉस जो कि हम लोगों ने यूज़ किया था मैगी में, इसका कलर इससे थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, बट हु केयर्स, एटलीस्ट ये थोड़ा सा स्पाइसी एंड टेस्टी लगेगा, क्योंकि चीज़ नहीं है ना मेरे पास। आई ऑनेस्टली थिंक चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा लगता है बिना चीज़ के भी। ओके खाना बन गया है, अब मुझे बस एक प्लेट निकालना है जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे घर में। प्लेट निकालना पड़ेगा। ओ प्लेट, मेरा प्लेट। अब पास्ता को मैं ऐसे ही डाल दूँ क्योंकि मैं ज़्यादा औजार गंदा ही नहीं करना चाहती।
अभी तुम जाओ। उसको मैं साफ कर दूंगी खाना, ऑब्वियसली ये खाने के बाद। देखो इतना टेस्टी दिख रहा है। अब बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी, बिकॉज यू कैन नेवर गेट इनफ ओरिगेनो। डन, अभी सारी चीज़ों को जगह पर रखते हैं। क्या आपको पता है मैंने अभी क्या बनाया? पास्ता बनाया। ये तो कोई कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। मम्मी आपको खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं। इतना पास्ता देखो खा लोगी तुम? हाँ ज़्यादा। हाँ और अगर रोटी दो तो दो खाएगी। नहीं मैं रोटी तीन खाती हूँ, झूठ बोल रही है मम्मी। चलो वी विल डू अ टेस्ट टेस्ट। इतना ज़्यादा टेस्टी है। चलो क्या हाँ लास्ट टाइम पास्ता मैंने बेंगलोर में बनाया था वो परी के लिए। चलो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये भी है, स्मूथ भी है, टॉफी कैरामल जो भी है, आई डोंट नो। बेस्ट, मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये अगर आप में से किसी को ज़रूरत है पास्ता की तो लोग खा लो। ज़रूरत तो नहीं, पास्ता की ज़रूरत होती है, मुझे बहुत होती है, ये लोग खाओ। टू सैड नहीं खा पाए। अब ये खाने का मैं और भी मोटी हो जाऊँगी जितनी मोटी हो। मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें स्ट्रॉ नहीं है। आई अगर अभी उठा होता तो मेरे इधर चेयर के पास खड़ा हो जाता। दीदी दो दीदी दीदी बोल के बरो तो सोया है। टू बैड। Literally the best part. Okay, bye. प्रियांशी क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिए? मैं उसके आईब्रो में वैसलीन लगा रही थी क्योंकि वो मेरा भाई आईब्रो लेस दिखता है ना तो उसका बाल जल्दी उठेगा। अच्छा तुम्हारे पापा सारा रोटी खा गए आज, एक रोटी बचा है तुम्हारे। मैं पास्ता खाई थी इसलिए मुझे और अभी ये नहीं लग भूख नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने उसको नमक नींबू पानी दिया। क्या एक चीज देखोगे? आयो क्लिप करेगा जो सिखाओगे उसको। खड़ा करो, खड़ा होना भी सीख गया है उसको। खड़ा करो ना प्रियांशी दीदी इसके। हाँ ऐसे मतलब कुछ सपोर्ट देके खड़ा करने से हो जाता है। अरे सर नहीं लगाना है, सर लगाने से वो बार बार लगाता है। हाँ चल चली डिजिक। प्रियांशी ये क्या डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? बहुत एडिटिंग करने नहीं दे रहा मुझे। फोन खींच रहे हैं ना? हाँ। पढ़ाई करने भी नहीं देता। वो क्या चाहता है पता है? हमेशा तुम उसके साथ रहो, उसके साथ खेलो। जब तुम ट्यूशन चले जाते हो तो कितना चिल्लाता है। क्या था? हाँ ट्यूशन से लेने गया। हाँ ट्यूशन से रास्ते में वेट कर रहा था, वो गाड़ी देख रहा था कि दीदी कब आएगी कब आएगी। मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, दे दो। प्रियांशी आयु को बाथरूम से कैसे लाया जाता है बता दो। बागू चौक जा रहा है वो भी जाएगा लाने। फिर उसको बोलने जाएगा। डर रहा है, फिर वो भी ऐसा फीकेगा, वो भी ऐसा फीकेगा देखना। रुको रुको वेट तो करो, वो क्या करता है।
देखो क्या करता है, देखो बस हुआ ना। क्या तुम ये सो बेटा सुनो मेरा बात मान लो क्या? एक रोटी और सब्जी कम से कम खा लो, क्योंकि रात को तुमको जगना है ना, तो भूख लग सकती है। तुमको मैं नहीं बोलूं, आयु तो गुड बॉय है, वो अपना एक ट्रिक देखो। क्या ट्रिक है ये? रुको इसको कैच करना मुझे। इमा अभी फैन के पत्ती में लगता, जो न्यू फैन फ्रेंड्स ये लिए हैं हमने, न्यू फैन मत रिस्क लो। सॉरी मुझे गुस्सा लगता है प्रियंसी, मत रिस्क लो। मेरा न्यू फैन है, उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फेंक दो फैन की, क्योंकि मेरे रिमोट से काम करता है। अच्छा, इसीलिए सबके घर रिमोट डाला फैन होता है हमारे घर के अलावा। अच्छा कुछ कुछ तो हमारे घर में तो नया आया है ना, है कि नहीं? गया, कितना सुंदर लग रहा है। तीन एक हो जाए मोच नो। तो दोनों भाई बहन गुड नाइट कर दो फ्रेंड्स, लोगों को सोने जाओगे। गुड नाइट मतलब मैं तो एडिटिंग करूंगी। ये बच्चू सोने। अच्छा सॉरी तो मैं दर्द हुआ, सोने जाएगा। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट स्माइलिंग फेस। गुड नाइट फ्रेंड्स, आयु का स्माइलिंग फेस देख के गुड नाइट एंड कीप वाचिंग आवर ब्लॉग रेगुलरली। गुड नाइट।